नमस्ते। आज मैंने बनाए लौकी के पराठे और टमाटर की सब्ज़ी। लौकी के साथ, परांठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है, जिनको मैं प्लेट से प्लेट कर लेती हूँ। मैं थोड़े मोटे वाले से कर रही हूँ। अच्छे से इनको ग्रेट कर लेते हैं। मुझे यह थोड़े मोटे मोटे ही अच्छे लगती है, पराठों में दिखती रहती है वो लौकी। हमने सारी लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, डेढ़ चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला। बेसन से थोड़े अच्छे करारे लगेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और 2 कप मैंने आटा लिया है अच्छे से भर के। अब इसे मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग 2 पिंच के करीब, 1/4 चम्मच हल्दी, 3 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 चम्मच दो टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी इसमें सौंफ डाली मैंने, 1 टीस्पून के करीब। अच्छे से मिक्स करके इसको आटा डो तैयार कर लेंगे इसका। देखिए मैंने इसे अच्छे से डो तैयार कर लिया है इसका। पानी तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही करें, क्योंकि लौकी अपना पानी छोड़ती है। इसमें मैंने केवल आधा कप से भी कम पानी डाल के आटा तैयार किया है मैंने इसमें। और 1 चम्मच ऑयल डाल के आटे को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अब सब्जी के लिए टमाटर लिए मैंने, 6-7 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, इनको बारीक बारीक कट कर लेते हैं इस तरीके से। छोटे छोटे पीस में कट कर ले, टमाटरों को कट कर लेते हैं। और एक हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब हरी मिर्च के अंदर ही सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला इसमें। और 2 लौंग, जिसको मैंने क्रश कर लिया, और 1 टीस्पून राई लिए। अब मैंने कढ़ाई ली है, एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर इसमें राई डालेंगे, राई और लौंग। राई जब चटकने लग जाए थोड़ी सी इसमें मेथी डालेंगे, मेथी के पत्ते,
सॉरी कस्तूरी मेथी डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी, और मसाला इसमें डाल के तेल में पका लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें टमाटर डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर से। हमारे आलू या लौकी के पराठों के साथ में इस तरीके से टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनती है, लेकिन मैंने इसमें मीठी चटनी में नहीं, खाली सब्जी ऐसी बनाई है नमक। अब टमाटर अच्छे से पक रहे हैं, तब तक इसमें पराठे तैयार कर लेते हैं। छोटे छोटे पराठे तैयार कर लेते हैं। तवा गरम करने के लिए, होने के लिए रख दिया मैंने इसमें। तवा गरम हो चुका है तो तवे पे थोड़ा घी लगा के पराठे को डालेंगे ताकि पराठा चिपके नहीं। इसी तरीके से सभी पराठे तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में सब्जी को भी चलाते रहेंगे ताकि सब्जी जल नहीं जाए। क्या है, सब्जी को भी बीच बीच में चेक कर लेती हूँ ताकि सब्जी जले नहीं। सब्जी अच्छे से सब्जी तैयार हो चुकी है। अब पराठे भी तैयार हो गए हैं काफ़ी। देखिए सब्जी बहुत अच्छे से बन चुकी है टमाटर की। मैं इसको सर्व कर रही हूँ टमाटर और मीठे दही के साथ। बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं इस चटनी के साथ, टमाटर की चटनी और दही के साथ।